పదేళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న ఆప్ సర్కార్ ఢిల్లీని అభివృద్ధి చేయలేదన్నారు న్యూఢిల్లీ బీజేపీ ఎంపీ భానుశ్రీ స్వరాజ్ మ్యాన్ హోల్స్ మూసివేయకపోవడంతో ఏడేళ్ల బాబు అందులో పడిపోయారన్నారు అలాగే పరిశుభ్రత లేకపోవడంతోనే ఆశాకిరణ్ ఆశ్రమంలో మరణాలు సంభవించాయన్నారు బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో స్వచ్ఛత అభియాన్ కార్యక్రమం చేపట్టారు కార్యక్రమంలో ఢిల్లీ బీజేపీ అధ్యక్షులు వీరేంద్ర సచ్ దేవ పాల్గొన్నారు है आम आदमी पार्टी की कि खुद स्वयं कुछ काम नहीं करना और बाद में जब किसी प्रकार का क्राइसिस हो जाता है तो अधिकारियों पे दोषारोपण करना। ये मैनहोल्स जो खुलने का क्राइसिस आएगी इसलिए है क्योंकि इन्होंने समय रहते डिसिल्टिंग नहीं करवाई नालों की। एक दशक से ये यहां पर सत्ता भोग रहे हैं लेकिन जब दिल्ली की जनता के लिए काम करने की बात आती है तब करते नहीं है। यहां पे 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन आपने देखा होगा हर मॉनसून में दिल्ली डूबती है क्योंकि डिसिल्टिंग नहीं होती, नालों की सफाई नहीं होती। दिल्ली में पानी बहाल नहीं करवा सकती, दिल्ली में नालों की सफाई नहीं करवा सकती, तो मुझे ये बताइए कि फिर ये किस बात का शासन यहां पर कर रहे हैं। दिल्ली की अनेक बस्तियों में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। बरसात का मौसम है, अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, डेंगू के भी मामले बढ़ रहे हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उस दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता आज पूरी दिल्ली में विभिन्न बस्तियों में स्वच्छता का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार चलने वाला, जागरूकता तो फैलेगी। अपने घर की सफाई रखें, अपने मकान के आगे अपनी दुकान के आगे सफाई रखें, कूड़ा कूड़े दान में डालें, गंदगी सड़क पर ना फैलाएं, उसका एक प्रयास है। अपने आस पड़ोस की सफाई रखिए, जहाँ आप काम करते हैं उस स्थान की सफाई रखिए। अगर सफाई व्यवस्था ठीक रहेगी तो फिर बीमारियां फैलने का खतरा कम।